हेलो हाई नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज़ प्लस से। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच जानिए कि जो बागी विधायक हैं उन पर कानून क्या लग सकता है, उन पर लगाए गए कानून का दल बदल कानून क्या कहता है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दल बदल कानून 1 मार्च 1985 में अस्तित्व में आया ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टी बदल लेने वाले विधायकों और सांसदों पर लगाम लगाया जा सके। आयाराम और गयाराम की कहानी, इस कहानी के पीछे जो है इसी से जुड़ी कानून के पीछे है कि 1985 से पहले दल बदल के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उस समय आयाराम गयाराम मुहावरा खूब प्रचलित था। 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में तीन बार पार्टियां बदल ली, जिसके बाद आयाराम गयाराम प्रचलित हो गया। कब लागू हुआ दल बदल कानून, इस पर बात करेंगे। अगर कोई विधायक या सांसद खुद ही अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या अगर कोई निर्वाचित विधायक या सांसद पार्टी लाइन से खिलाफ हो जाता है या अगर कोई सदस्य पार्टी विहिप के बावजूद वोट नहीं करता या अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है, उन पर ये कानून जो है लागू होगा। किन परिस्थितियों में यह कानून लागू होगा उस पर बात करेंगे। जब पूरी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ मिल जाती है, अगर किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्य एक नई पार्टी बना लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी जो है आपने सुना कि जो एकनाथ शिंदे जो है नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, उसका नाम जो है बाला शिवसेना बाला साहब रखने के लिए, उन पर यह लागू। अगर किसी पार्टी के सदस्य दो पार्टियों का विलय स्वीकार नहीं करते और विलय के समय पर अलग ग्रुप बना लेंगे, उनको स्वीकार करते हैं, तो ऐसे पर लागू होगा। जब किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य अलग होकर नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उन पर यह लागू होगा। तो हमने बताया कि किस तरीके से जो है जो दल बदल कानून के क्या कुछ जो कहता है हमारा संविधान, हमने बताया। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आकिब रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट कर ले, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।